हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। सखी चैनल पर आपका स्वागत है। लॉकडाउन अभी जारी है, बाजार में कुछ भी खाने का सामान मिल नहीं रहा, तो ऐसे में हम लोगों को घर में ही नाश्ता बनाना है। तो मैं आज आपको कढ़ी से बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाना सिखा रही हूँ। आज मैं आपको सिखाऊंगी कढ़ी से पराठा। बहुत ही टेस्टी पराठा बनता है। आप इसे अगर एक बार बनाएंगे तो आप इसे बार बार बनाएंगे। तो आइए देखते हैं कढ़ी से पराठा बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। फ्रेंड्स, एक कटोरी कढ़ी है और इसमें पकौड़ी भी हैं। ये मैंने कल बनाई थी तो रात को बच गई थी, तो मैं उस कढ़ी से आपको पराठे बनाने सिखाऊंगी। और ये इसमें मैंने लिए हैं कुछ मसाले। इसमें मैंने 1 चम्मच सौंफ ली है, आधा चम्मच धनिया लिया है और आधी चम्मच लाल मिर्ची ली है, आधी चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ी सी हींग, ये मसाले लिए हैं हमने। और ये इसमें मैं आधा चम्मच नमक ले रही हूँ, क्योंकि नमक कढ़ी में भी होता है इसलिए हम हिसाब से डालेंगे। और एक बाउल मैंने आटा लिया है और ये लिया है मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल। ये तेल फ्रेंड्स पका हुआ है, कच्चे तेल से आप इस रेसिपी को ना बनाएं, क्योंकि इस पराठे में जब स्मेल आएगी तो बच्चों को अच्छी नहीं लगेगी। तो अब हम लेते हैं 1 चमचा और गैस को ऑन करते हैं और उसमें हमें अपना ये सरसों का तेल डाल देना है और इसको हमें हल्का गुनगुना सा करना है। जब हल्का गुनगुना सा हो जाएगा तब इसमें डालेंगे हम ये अपने मसाले। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए। मेरे पास कढ़ी बच गई है तो मैं बना रही हूँ, और आगे से आप जब भी कढ़ी बनाएंगे तो थोड़ी ज़्यादा बनाएंगे, जिससे कि आप इस टेस्टी पराठे को बना सकें। हल्का सा तेल गरम हो गया है, अब मैं इसमें अपने ये मसाले डाल दूंगी सारे। गैस को कर देंगे बंद और इसको एक बार हम तेल में सारे मसालों को मिक्स कर देंगे। इससे क्या होगा, ये मसाले हमारे जो हल्का गुनगुना तेल है उसमें ये हमारे भुन जाएंगे और हमारे पराठे में बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। आप इसकी जगह अचार के मसाले को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास आम के अचार का मसाला बचा हुआ है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अब ये वापस मैं इसमें कटोरी में कर देती हूँ इस मसाले को। मिर्च फ्रेंड्स मैंने इसमें कम डाली है, अगर आप चाहें तो इसमें और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मिर्च कढ़ी में भी पड़ी हुई है। अब लेंगे हम एक परात और परात में डालेंगे हम 1 बाउल गेहूं का आटा और इसमें डाल लेंगे हम नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। और फ्रेंड्स, मैं इसमें अंदर कुछ भी ममन वगैरह नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ इसे मैं कड़ी से ही गूंदूंगी आटे को। थोड़ा थोड़ा करके कड़ी को डालेंगे और जो कड़ी की पकौड़ियाँ हैं उनको भी हम आटे में अच्छी तरह से मैश कर देंगे। अगर हमें ज़रूरत लगेगी तो हम हल्का सा पानी डालेंगे, नहीं तो कड़ी से ही इस आटे को गूंद लेंगे। नॉर्मल हमें पराठे जैसे ही आटा मारना है इसका। थोड़ा सा इसमें पानी लगेगा, अगर आपके पास कढ़ी ज्यादा बची हुई है तो वह पूरा आटा आप कढ़ी से ही गूंथ सकते हैं। ये थोड़ी कम पड़ गई तो इसमें मैंने पानी डाल दिया है। आटा मेरा मल चुका है, अब इसमें मैं हल्का सा तेल लगाकर और इसको रेस्ट 10 मिनट रेस्ट के लिए रख दूंगी। इससे क्या होगा कि हमारे आटे पर पापड़ी नहीं पड़ेगी। आटा मेरा रेस्ट ले चुका है, 10 मिनट हो चुके हैं। अब क्या करेंगे हम, इसमें जो हमने जो मसाला बनाया था इसमें हम थोड़ा सा नमक और डालेंगे। ये इसमें 1/4 चम्मच मैंने नमक मिला दिया है। इससे क्या होगा, ये मसाला हमारा बिल्कुल फीका फीका सा नहीं लगेगा। नमक थोड़ा ही डालिए आप, क्योंकि नमक हमने आटे में भी डाला है और कढ़ी में भी नमक है, तो नमक कहीं ज़्यादा ना हो जाए। और इस नमक को इस मसाले में हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स, अब लेते हैं हम 1 लोई और इसको सूखे आटे में लगाकर बेल लेते हैं।
फ्रेंड्स, इसको मैंने बेल लिया है। अब ये हमने जो तेल का मसाला जो बनाया था, अब हम इसको पूरे पराठे पर लगा देंगे अच्छी तरह से। ये मसाला मैंने लगा लिया है, अब पराठे को हम इस तरह से रोल करेंगे। और इस तरह से रोल करके हम एक तरफ से इसे घुमाते हुए इस पराठे को इस तरह से हम रोल कर लेंगे। और इसके जो एजेस हैं पराठे के, इसको हम अच्छी तरह से बंद कर देंगे और इसे हम सूखा आटा लगाकर बेलेंगे। ये थोड़ा सा मसाला इसमें निकल रहा है, इसको एक साथ करते हुए इसको हम बेल लेंगे। और इसको हमें बहुत ज्यादा पतला नहीं बेलना है, इसको हल्का सा मोटा रखेंगे तभी इस पराठे का टेस्ट आता है। और इसमें इस पराठे को बनाने के लिए आटे को रेस्ट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल नया गेहूं का आटा भी आटा आ रहा है, तो उसको रेस्ट देना बहुत जरूरी होता है। ये पराठा फ्रेंड्स हमारा बेल चुका है और इसे हम सेकने के लिए डाल देते हैं। तवा हमारा गर्म हो चुका था, अब मैं जब तक एक पराठा और बेल लेती हूँ। ये पराठा भी बेल लिया है और इस पर भी हम मसाला लगा देते हैं। और इतना मसाला जो हमने बनाया था, इतना आटा लिया था, इसमें हमारे 4 पराठे बनकर तैयार होंगे। तो आप अपने घर के मेंबरों के हिसाब से आप सामग्री ले सकते हैं। पराठे को भी हम रोल कर लेते हैं और रोल करके फिर एक तरफ से मोड़ते हुए और इसके किनारों को हम अच्छी तरह से इसमें सील कर देंगे नीचे की साइड। और अब सूखा आटा लगाकर हम इस पराठे को भी बेलकर तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, पराठा हमारा ये एक तरफ साइड से पक चुका है, इसको हम पलट देंगे और दूसरी साइड भी पकने देते हैं। फ्रेंड्स, इस पराठे को मैं सेकने के लिए मैंने सरसों का तेल लिया है पका हुआ, और इस सरसों के तेल से ये पराठा बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होता है। इस प्रकार फ्रेंड्स मैंने दूसरा पराठा भी बेलकर तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स, ये पराठा हमारा पक चुका है। अब इसमें मैं डालती हूँ थोड़ा सा सरसों का तेल और इसको पराठे को हम पलट देते हैं और इस तरह से हम दबा दबा कर पराठे को सेकेंगे, क्योंकि ये पराठा हमारा थोड़ा मोटा है। अगर आप तेज आंच पर सेकेंगे इसे तो ये पराठा अंदर से कच्चा रह जाएगा। सेकते समय आपको ध्यान रखना है, ये पराठा बहुत ही टेस्टी बनता है। अब इसमें हम थोड़ा सा तेल दूसरी साइड भी लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया कलर आया है इसपे और बहुत ही खस्ते पराठे बनकर तैयार होते हैं। और इसके साथ खाने के लिए आपको किसी सब्जी की जरूरत नहीं है, आप इसे चाय के साथ भी ऐसे एंजॉय कर सकते हैं। अब हम फ्लेम को थोड़ा बढ़ा लेंगे। हमारा सिक चुका है और इसको हम उतार लेते हैं। पराठा बनकर बिल्कुल तैयार है और फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया पराठा बना है, खुशबू भी सारी किचन में महक रही है। इसे पराठा बनकर बिल्कुल तैयार है। आप अब जब भी कढ़ी बनाएं तो इस पराठे को जरूर ट्राई कीजिए। और आप अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है